हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन से कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो नाम से पता चला होगा जिसकी डिग्री 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर है, ठीक है। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो पावर होती है सभी वेरिएबल्स की जो कि इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो 1 हो, ठीक है। और डिग्री एक लीनियर इक्वेशन का 1 होता है। डिग्री के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने जो पहले वीडियो डाली हुई है पॉलीनोमियल्स की, ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए, उसको देखिए, आपको अच्छे से पता चलेगा डिग्री क्या होती है, ठीक है। अब जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होती है इन टू वेरिएबल्स के, तो जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है ax प्लस by प्लस c, वेयर ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैसे कि मैं आपको देता हूँ, टू एक्स है प्लस 3y, ठीक है, और माइनस 6 = 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। अगर ये 6 यहाँ पर नहीं होता, इस साइड होता, तो ये 6 नॉर्मली ऐसा 6 होता, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इधर होता 6, तो इसे अभी जनरल फॉर्म में नहीं, लेकिन जब आप इसको इधर ले आकर माइनस 6 कर दोगे तो ये जनरल में आ जाता है। और जो कि ये जो कोएफिशिएंट्स है ना x और y के, दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। या तो ये 0 हो जाएगा और ये 3y माइनस 6 बच जाएगा, या तो ये 0 हो जाएगा और ये 2x माइनस 6 बच जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा। रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले जो आइडेंटिफाई आपको करनी होती है जो अननोन क्वांटिटीज है, क्या आपको दिया नहीं गया, ठीक है। तो उसके बाद उन्हें आपको वेरिएबल से डिनोट करना है, और उसका जो रिलेशनशिप दी गई है, जैसे कि मान लीजिए दिया गया है कि राम श्याम से 7 ईयर्स बड़ा है या फिर 7 ईयर्स छोटा है, तो आप उस हिसाब से उसमें वेरिएबल्स पुट करने होंगे और मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्टली आप आंसर अचीव कर लोगे। यही है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है फ्रेंड्स वो एक पेयर ऑफ वैल्यू होती है, एक होती है एक्स के लिए, एक होती है वाई के लिए, जो कि दोनों साइड्स, जो दोनों साइड होते हैं इक्वेशन को, उसको इक्वल कर देती है। जैसे यही मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो अब आपको एक्स और वाई की दो सूटेबल वैल्यू, मतलब कि एक्स की एक वैल्यू और वाई की एक वैल्यू ऐसी सूटेबल होनी चाहिए जिससे 6 आए इस साइड भी, ठीक है। इसकी मान लें कि अगर मैं इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू मैं मान लीजिए 4 रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू 4 रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू 4 है, और वाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि मैं 6 रख देता हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू 6 है, तो 2x हो गया हमारा 12, और अगर वाई की वैल्यू 2 है तो हमारा 3y हो गया 6। तो ये हो गया 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो दोनों साइड 6 होगा। तो यही सॉल्यूशन हो जाता है। सॉल्यूशन कुछ नहीं, बस ऐसी वैल्यूज होती है एक्स और वाई की जिससे दोनों साइड इक्वेशन के इक्वल हो जाए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्रिकली कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन से ही नॉर्मली मतलब कि एक्सप्रेस करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यानी कि जिसकी डिग्री 2 होती है, उसका पैराबोला होता है, ये भी आपने सीखा ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस 1, ये जनरल फॉर्म है। अगर आपको y की वैल्यू पाएंगे तो 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लॉटिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो आप एक स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पर यह प्लॉट किया हुआ, तो कैसे होता वो बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी एक वैल्यू लेनी है एक वेरिएबल की, मान लीजिए कि मैं x की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, और उसको सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन आपको दिया गया। मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पर x की कुछ वैल्यू लेता, तो मुझे उसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है, जिससे हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी y की, और आपको इसको एक और बार करना, तो आपको एक पेयर मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यूज़ का, पहला पेयर एक्स वाई का, दूसरा पेयर एक्स वाई का। मिनिमम दो ही पॉइंट्स चाहिए हमें एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तो ये हमारे डिफरेंस हमारा इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अगर मैं आपके x के बारे में पूछूं, तो आप x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिंपली 2y को उधर भेजना है हमें, तो ये 6 प्लस 2y हुआ, और 3 यहाँ जाके इधर डिवाइड करें तो ये बाई 3 हो गया। अब यहाँ पर नीचे आपको एक टेबल बनाना है, मान लीजिए मैं इसी को कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ लिखना है y।
अब अगर आप वाई की वैल्यू यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको देनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर वाई की वैल्यू 3 दे दोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर वाई की वैल्यू 3 दोगे तो आंसर मतलब कि क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, 3 × 2 6 हो गया, 6 + 6 हमारा 12 हो गया, और 12/3 4 हो गया। तो अगर आप वाई की वैल्यू यहाँ पर 3 दोगे तो इसका एक्स की वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। आपने कैसे निकाला, सिंपली वाई की एक मतलब सूटेबल वैल्यू ली, यहाँ पर पुट किया, जिससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई एक्स की। आप जितनी कम ले सको वैल्यू उतनी कम लेना, क्योंकि आपको अपना ग्राफ बड़ा नहीं करना है, ठीक है। आप सूटेबल वैल्यू लेना, अब यहाँ पर आपने 10 नहीं लेना, तो मान लीजिए कि अगर आप 10 लोगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 26 बहुत ज़्यादा वैल्यू हाई हो जाएंगे, तो वो नहीं करना, मतलब दूसरी दूसरी वैल्यू के बारे में। अगर आप वाई इज इक्वल टू 0 दोगे, वाई इज इक्वल टू 0 अगर 2 × 0 0 और 6/3 हमारा 2, तो ये सही वैल्यू है। तो अगर हम लोग वाई की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ऑल अबाउट लाइन्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, और जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है वो बताता हूँ। a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दिखा रहे हैं, तो इसलिए a1 a2 अलग, क्योंकि कोफिशियंट तो अलग ही रहेंगे मैक्सिमम केस में, ठीक है। और ये बात आपको वापस दी गई कि कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली फॉर एन इक्वेशन। नेचर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, अब जो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए गए ना, तो दोनों का अपना अपना स्ट्रेट लाइन होगा, तो उनका नेचर क्या हो सकता है। नेचर 3 तरह का ही होता है फ्रेंड्स नॉर्मली, पहला 3 पॉसिबिलिटीज होती है, पहला दे इंटरसेक्ट एक्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, और एक और बात कि जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे ना वही सॉल्यूशन हो जाएगा उन दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। दे आर पैरेलल, या वो पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब वो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं होंगे, देखिए पैरेलल जैसे भी है ना वैसा। और तीसरा है कि दे आर कोइंसिडेंट, कोइंसाइड हो जाएंगे, मतलब कि एक के ऊपर एक, देखिए दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक ही लाइन दिख रही है आपको, क्योंकि एक पर एक कोइंसाइड है। ग्राफिकल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफिकली, ग्राफिकली आप कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे, देखिए। और ग्राफिकल मेथड क्या होता है सॉल्यूशन फाइंड करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, सबसे पहले तो आपको ये दो स्टेप्स है उन्हें आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि प्लॉट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के जो स्ट्रेट लाइन होंगे ना उन्हें आपको प्लॉट करना होगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी लाइन, और मान लीजिए कि ये दो लाइन्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा उन दोनों इक्वेशंस के लिए, अच्छा ठीक है। कंपेयरिंग रेशियोज एंड कोएफिशिएंट्स, अब रेशियो को हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे हमारा पहला केस था फ्रेंड जिसमें जो लाइंस थी वो इंटरसेक्ट करती थी एक पॉइंट पे, ये वाला, तो वहाँ वो किस केस में रहेगा, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ऊपर हमें दो इक्वेशन दिया गया था ना यहाँ पर कि a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो लाइन कोइंसाइड करेगी। अब आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं कि आप उनको ड्रॉ करके देख लो कि वो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है क्या, बस आपको a1 और a2 b1 और b2 को देखना, और वही देख के बता दोगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही या नहीं कर रही, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता तो वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, और ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। हमारी NCERT बुक में दिया गया है कि फाइंड करो कि कौन सी कंसिस्टेंट और कौन सी नहीं, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट, ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन होगा फ्रेंड्स यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक पॉइंट पे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती है, और उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट कर रही है। और जो हमारा दूसरा केस है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पहला इक्वेशन मैंने लिखा 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0, जूम कर लेता हूँ, और दूसरा लिखता हूँ मैं 4x + 6y - 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो लोगे तो जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है ना, वो ये होगा मेरे एग्जांपल से 1/2, 2/4 देख लीजिए ये 1/2 होगा, 3/6 देख लीजिए ये भी 1/2 होगा, और -6/-12 देख लीजिए ये भी 1/2 ही होगा। सारे रेशियोज हमारे इक्वल है तो जो लाइन होंगी उन्हें हम लोग डिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है।
और इनके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और ये कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इन्फिनेटली मैनी होता है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। उनका एक या दो नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और ये भी कंसिस्टेंट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। A1 by 2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. अब इसका क्या मतलब, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो मेरा एग्जांपल था, तो ये जो मेरा अगर एग्जांपल था उसमें मैं बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि A1 by A2 is equal to B1 by B2 तो है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 से बस यहाँ पर 3 ही कर दूँगा तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो है इनका तो रेशियो 1:2 है बट इसका नहीं, इसका कितना है 1:4 है। तो इस केस में ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, और इनमें लाइंस पैरेलल होंगी। तो मैं कुछ समरी दे देता हूँ कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 होंगे तो उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगे और उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और जब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होगा तो भी ये कंसिस्टेंट ही होंगे, लेकिन इनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। तीसरा केस, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, तो ये इनकंसिस्टेंट के अंदर आता है फ्रेंड्स, और इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे और जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होगी, ठीक है। अब आते हैं अल्जेब्रिक सॉल्यूशन में कि अब अल्जेब्रिकली आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे। तो ये कुछ मेथड दिए गए फ्रेंड्स, 4 मेथड्स हैं यहाँ पर फाइंड करने। पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्सटीट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल तो हमने सीख ही लिया। तो आपको बस यहाँ पर 2 मेथड्स नए दिए गए, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्सटीट्यूशन मेथड के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड से ही पहले स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये हमें एक एग्जांपल दिया गया, y-2x = 1 और x + 2y = 2 है। तो आपको एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि y-2x + 1 है ना, तो अगर आप y = लिखोगे तो y = 1 + 2x आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि जो x है उसको, मतलब जो y है उसको x के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और दूसरे वाले को नहीं टच करना है, या फिर आप दूसरे वाले को नहीं टच करो, वन पहले वाले को नहीं करो। आपको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करना है, बस यही है। जैसे कि यहाँ पर y = 2x + 1 इन्होंने लिखा, उसके इसी वैल्यू जो है ना ये वाई की, इसे वो दूसरे इक्वेशन में सब्सिट्यूट करना है। ये 2x + 1 है तो यहाँ पर वाई जो है इसके जगह पर आप 2x + 1 सब्सिट्यूट करो तो x + 2 × 2x + 1 हुआ 5x + 2 = 12। उसके बाद आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तो काफ़ी सिंपल था, आपको पता ही होगा। और 2 और 5 है इसके मतलब सॉल्यूशन। एलिमिनेशन मेथड, इसमें भी कुछ ये मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि x + 2y है ना और 2x - 3y, तो आपको जो ए मतलब कि किसी भी एक इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट से बस सेम कराना होता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर x + 2y है और यहाँ पर 2x है, तो हमें x को इस इक्वेशन के x को इस इक्वेशन के 2x से मैच कराना, तो क्या करना होगा, इस पूरे इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट हो जाएगा 2x + 4y = 16। तो आप देखिए कि ये वाला जो कोएफिशिएंट है इससे मैच हो गया, तो यही करना होगा। ये पहला स्टेप होता है फ्रेंड्स का। और दूसरा स्टेप होता है कि आपको या तो ऐड करना होगा या तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए एक वेरिएबल को, जिससे आपके पास सिंगल वेरिएबल आएगा एंड फर्दर आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं 2x + 4y = 16 आ गया और मैं इसे मुझे बस दूसरे इक्वेशन को लिखता हूँ, ठीक है, 2x - 3y = 2। और अगर आप माइनस करोगे तो ये साइन चेंज होंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस, 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे और 4y + 3y यहाँ पर 7y हो गया हम लोग का, और 16 - 2 हो गया 14, ठीक है। और y की वैल्यू हमारी आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसको अगर आप पुट करोगे पहले इक्वेशन में तो x + 2y, तो x + 2 × 2 = 4 = 8, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 4 ही होगी, देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू 2 है, तो हमारा आप ऐसे चेक कर निकाल सकते हो, एलिमिनेशन लग सकते भी काफ़ी सिंपल है। अब आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फ्रेंड्स ये डिलीटेड है, हमें ये नहीं पढ़ना, लेकिन इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोनों इक्वेशन को लिख लेना है, और अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला था b1c2 - b2c1 / a1b2 - a2b1। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो c1a2 - c2a1, और नीचे डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा।
तो आप चाहो तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, वैसे तो ये आने नहीं वाला आपके एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एक और मेथड होता था रिड्यूसिबल पेयर मेथड, ठीक है, ये भी डिलीटेड है फ्रेंड्स, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानने की, जो आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला एक्सरसाइज है ना लास्ट, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन में, वो इसी से बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कहीं के ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y और 5x माइनस 1y, ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 2x है ना, तो आपको 1x लेना है, 1x को आपको दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा a से, और यहाँ पर 3y है तो मैं 1y को एक्सप्रेस करूँगा b से, और यहाँ पर तो जैसे कि तो यहाँ पर 2 तो बाहर ही है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 बाहर ही, तो अगर आपको पहले इक्वेशन को लिखना है a और b जो हमारे नए वेरिएबल्स उनके फॉर्म है, तो आप उसको लिख सकते हो 2a + 3b = 4। सेम आपको सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करना है, वन उनके 1/x और 1/y को ये और बी के फॉर्म में पहले फॉर्म में लाना, उसके बाद 5 × a करना और -4 × b करना, तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगा 5a - 4b = 9। और इसको आपको जो मन वो मेथड से आप इलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों की वैल्यूज लाओ ए और बी की, उसके बाद आपको क्या करना लास्ट में, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिखा, जैसे कि यहाँ पर a और b की जो वैल्यू आई आपकी, उसे आपको 1/x में पुट करना है, a की वैल्यू मान लीजिए मेरी 4 आ रही है और b की वैल्यू -3 आ रही है, तो 1/y = हो गया हम लोग का -3, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/-1/3, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं आप 6 नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।